हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, और मेन टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन। ठीक। अ ब्लॉक ऑफ मास 1.5 केजी प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1.2 kgf. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.3. Find the acceleration produced in the term g. यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। वेट mg डाउनवर्ड लगता है और इसका रिएक्शन r ऊपर की ओर लगता है। ठीक। और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन का है एफ, जो अप्लाई हुआ इसको एक्सेलरेट करने का, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन का होगा। फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट होगा, तो फ्रिक्शन एफ के है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है तो मोशन है इसमें, इसलिए फ्रिक्शन एफ के हुआ हमारा। गिवन हमारा है मास ऑफ द बॉडी एम इज इक्वल टू 1.5 के जी, एफ इज इक्वल टू 1.2 के जी एफ। ठीक। और के जी एफ को जब हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो जी यानी 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि हमें एक्सेलरेशन जी के टर्म में निकालना है, इसलिए हमने 9.8 की जगह जी रखा हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू हो गया 1.2 इंटू जी। और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ दे रखा 0.3, तो 0.3 हो गया। ठीक। फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के आर। फ्रिक्शन हमारा होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। म्यू के हमारा हो गया 0.3 और आर हो गया, आर इज इक्वल टू होता है एम जी, तो ये हो गया एम जी। ठीक। एम की वैल्यू दे रखी 1.5, तो 0.3 इंटू 1.5 जी हो गया, ये आ गया 0.45 जी, ये एफ के आ गया। ठीक। अब नेट फोर्स जो होगा स्टूडेंट वो इसकी डायरेक्शन का होगा, लेकिन एफ माइनस एफ के होगा। नेट फोर्स ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट फोर्स होगा वो होता है एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के हो जाएगा। एफ इधर हमारा अप्लाइड फोर्स है और एफ के फ्रिक्शन है, इन दोनों का जो नेट आएगा डिफरेंस वही एम ए होगा नेट फोर्स। एम हमारा दे रखा है 1.5 ए, और एफ हमारा दे रखा है 1.2 जी माइनस एफ के हमारा है 0.45 जी। इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 0.75 जी। ठीक। अब आप खुद माइनस कर लीजिए, ऐसे 1.20.45 माइनस कर दीजिए 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.70.0.45, वो हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, आप इसको माइनस खुद करिए। ठीक है। ए हमारा आ गया ए इज इक्वल टू 0.75 अपॉन 1.5 जी। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले का हाफ है, यानी ए इज इक्वल टू आ जाएगा जी बाई टू, 1/2 g या जी बाई टू। ठीक। अब आप इसको दोनों ओर से पॉइंट हटाइएगा, 75 टू जा करके कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा 75 अपॉन 150 और जी इसको 75 टू जा। ठीक। तो जी बाई टू आ जाएगा, जी वन जा जी और टू जी बाई टू, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।